नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सो आप यू, आई होप यू आर फाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो लेट अस सी। गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडी। रदरफोर्ड और सोडी ने दिए थे ये लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसके अंदर डिफरेंट लॉज है। ये बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी इज अ रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच इज अनअफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कि रेडियो जो कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिनन होगा उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो रेडियो एक्टिविटी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसके अंदर द हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड हैवियर न्यूक्लियाई अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। और वी कैन से अ न्यूक्लियर ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी और हायर न्यूक्लियर एनर्जी डिकम्पोज्ड यूजुअली न्यूक्लियर ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी एंड मोर न्यूक्लियर एनर्जी are disintegrated। जो रेडियोएक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसके ऊपर अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और हैवियर न्यूक्लियाई अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई एंड यूजुअली द न्यूक्लियाई हैविंग लोअर बाइंडिंग एनर्जी एंड मोर न्यूक्लियर एनर्जी आर डिसइंटीग्रेटेड। सो नेक्स्ट लॉ इज द रेट ऑफ disintegration of a radioactive nuclei is directly proportional to the number of atoms at that instant। उस instant के ऊपर जितने number of atoms present है, number of atoms that instant present उसके directly proportional होगा। तो rate को हम क्या बोल सकते हैं? देखो dN by dt, क्योंकि nuclear concentration decrease होगी तो dN by dt is directly proportional to the N। N is the number of atoms। Third law is during in the process only one alpha or one beta। इस प्रोसेस के अंदर एट अ टाइम या तो एक अल्फा ही बाहर निकलेगा या एक बीटा पार्टिकल ही बाहर निकलेगा। इन अ प्रोसेस ओनली वन अल्फा और वन बीटा इज एमिटेड एट अ टाइम। केवल एक अल्फा या एक बीटा ही एमिट होगा एंड alpha and beta both cannot be emitted at same time
एंड अल्फा एंड बीटा बोथ कैनॉट बी एमिटेड टुगेदर। देखो एट अ टाइम एक ही अल्फा एमिट होगा या एक ही बीटा, और अल्फा और बीटा साथ भी एमिट नहीं होंगे। अब जो अल्फा और बीटा होता है, देखो अल्फा एंड बीटा आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशन, अल्फा और बीटा एमिशन के बाद न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्टिल हाई होता है, तो स्टिल हाई होता है तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी लेवल को लोअर डाउन करने के लिए जो सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आर एमिटेड और उनको गामा पार्टिकल्स बोल रहे हैं। अल्फा और बीटा के एमिशन के बाद न्यूक्लियर एनर्जी लेवल स्टिल हाई, सो टू लोअर डाउन उन न्यूक्लियर लेवल्स को लोअर डाउन करने के लिए गामा आर एमिटेड। तो इस प्रोसेस के अंदर जो अल्फा बीटा एमिशन को हम बोलेंगे इज नोन एज प्राइमरी एमिशन, और जो गामा पार्टिकल्स है वो हमेशा अल्फा और बीटा के बाद ही एमिट होंगे, तो इसलिए उसको हम सेकेंडरी एमिशन बोलेंगे। गामा पार्टिकल्स एमिटेड आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशन, that is why it is also known as secondary emission, इसलिए हम उसको secondary emission भी बोलते हैं। So this is another law of radioactivity. So देखो first law क्या है, radioactivity is spontaneous process है, this is not a time, one cannot predict the time of the reaction and it unaffected by the changes in temperature, pressure or state of the substance, और इसके अंदर एक heavier nuclei है वो disintegrate हो जाएगा into lighter nuclei जिनकी लोअर बाइंडिंग एनर्जी होगी और मोर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होंगे जिन न्यूक्लियाई के, वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, और किसी भी प्रोसेस में एट अ टाइम एक अल्फा बाहर निकलेगा या एक बीटा, और एक साथ अल्फा बीटा भी बाहर नहीं निकल सकते, ना तो मोर देन वन अल्फा निकलेगा ना मोर देन वन बीटा एट अ टाइम, और अल्फा बीटा दोनों का साथ भी एमिशन पॉसिबल नहीं है। अब अल्फा बीटा एमिशन होने के बाद न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स फिर भी हाई होते हैं, तो उस हाई एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल को लोअर डाउन करने के लिए सम गामा न्यूट्रल पार्टिकल्स आर एमिटेड और उनको गामा पार्टिकल्स बोलेंगे। तो अल्फा बीटा एमिशन को बोलेंगे हम प्राइमरी एमिशन और गामा पार्टिकल एमिशन को सेकेंडरी एमिशन, एंड दैट विल अकर ओनली आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट लॉ इज After alpha emission, जैसा कि we have discussed in the last lecture, alpha emission के बाद n by p increases. So, to lower down energy levels, alpha emission के बाद n by p क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और उन energy levels को lower down करने के लिए यहाँ पे जो अपना एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन it disintegrates into proton प्लस वन बीटा पार्टिकल, और ये हो गया आपके पास, दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई एंड दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई। सो पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई डज नॉट मीट द एनर्जी डिफरेंस, वो एनर्जी डिफरेंस को मीट नहीं करते। जैसे पेरेंट न्यूक्लियाई से एक प्रोटॉन एमिट हुआ, बीटा पार्टिकल्स एमिट होने के बाद ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, तो उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो स्टिल लोअर नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो दैट गिव राइज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्राइनो। तो जो एंटी न्यूट्राइनो है वो अपने मिसिंग एनर्जी को पूरा करेगा, एंटी न्यूट्राइनो एग्जिस्टेंस कंप्लीट्स मिसिंग एनर्जी लेवल between
पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट और ड्यूटर न्यूक्लियाई के अंदर मिसिंग एनर्जी लेवल को कंप्लीट करेगा. सो दीज आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड दीज आर गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडी. नाउ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज दैट आर गिवन बाय सोडी एंड फुजान्स इन रेडियो एक्टिविटी. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ given by सोडी एंड फुजान्स. सोडी और फुजान्स ने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज के बारे में क्या बताया? देखो इसमें फर्स्ट लॉ है एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल सिट्स टू पोजिशंस लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल. एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद दो पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो अपना नेक्स्ट डॉटर एलिमेंट बनेगा वो सेकंड एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स शिफ्ट्स वन पोजीशन. एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल का एमिशन शिफ्ट कर देगा वन पोजीशन टुवर्ड्स राइट इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में वो राइट साइड में शिफ्ट कर देगा. नेक्स्ट After emission of beta particle के emission से देखो mass remains unchanged. beta particle क्या होगा अपने पास, इसको हम beta particle बोलेंगे और atomic number एक से increase हो जाएगा. इसका मतलब atomic number different हो जाएगा, mass same means isobars are formed. एक बीटा पार्टिकल एमिशन के बाद क्या बनेंगे अपने पास बेटा, आइसोबार्स बन जाएंगे. नेक्स्ट आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम को बोलेंगे, तो उसके बाद आइसोडाइफर्स फॉर्म्ड. आइसोडाइफर्स मींस सेम एन माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. सो देखो अपने पास कैसे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कराना है अपने को, तो अल्फा पार्टिकल एमिशन के लिए कोई भी ये एक न्यूक्लियाई ले लिया हमने, इस न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास है ए और एटॉमिक नंबर है जेड. अब इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो एक्स डैश जो अपना बन गया ये बन गया जेड माइनस टू और ये हो गया ए माइनस फोर. अब एन माइनस पी, देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए ए माइनस जेड, तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें Z के बराबर, तो N माइनस पी किसके बराबर हो गया इसमें A माइनस जेड माइनस जेड A माइनस जेड माइनस जेड न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो चार है और ये दो के रेशियो में, अपन इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सी, यहाँ पे ये यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम 235 92, इट चेंजेस इनटू थोरियम 90 एंड 231 एक अल्फा पार्टिकल एमिशन के बाद.
तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए 92, इसमें कितने 90, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 235, माइनस 135 प्लस 8, 135 तो ऊपर बच गया पूरा, और 8 43, 143, और यहाँ पे कितने बच गए 31, 131 प्लस 10 141, तो देखो 143 n माइनस, हमने क्या बोला सेम n माइनस p, तो n माइनस p क्या हो गया अपने पास 143 माइनस 92, तो 43 प्लस 8, 43 और 8 यहाँ से आ गया अपने पास, तो 51, अब यहाँ से देखो 141 माइनस 90, तो 41 और 10 51, तो मींस n माइनस p दोनों में क्या है, दोनों न्यूक्लियाई में सेम, मींस जो दोनों न्यूक्लियाई बनी तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी, दीज टू आर आइसो डाइवर्स, इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ, आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा एंड वन बीटा पार्टिकल, आफ्टर एमिशन ऑफ वन अल्फा एंड वन बीटा, एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाए और एक किसका हो जाए बीटा पार्टिकल का, तो एक अल्फा और एक बीटा एमिशन के बाद अपने पास जो क्या बनेगा, एक अल्फा एक बीटा के बाद बनेंगे अपने पास आइसोटोप्स, आइसोटोप्स फॉर्म, सो दीस आर द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज दैट आर यूज्ड इन रेडियोएक्टिविटी एंड गिवन बाय रदरफोर्ड, सोडी एंड फजांस। नाउ अब अपने पास रेट लो कैलकुलेट करेंगे, तो रेडियो एक्टिव जो डिके रिएक्शंस हैं दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर मींस जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वो वन होगी, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में वन यूज करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर कंसंट्रेशन वन यूज करेंगे, तो अपन क्या कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस रेट ऑफ रिएक्शन dN by dt, नेगेटिव ऑफ dN by dt, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन न्यूक्लियर कंसंट्रेशन, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अभी अपन ने रेडियो एक्टिव लॉज में देखा था नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, तो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने इनको नंबर ऑफ एटम्स को एन टी मान लिया, तो यहां से माइनस डी एन बाई डी टी इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगा देंगे लेमडा टी, लेमडा इंटू एन, एन टी, एन टी इज द नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट टाइम टी, तो इनिशियली ये अपनी रिएक्शन है, इनिशियली एन नोट है, तो यहाँ पे ये अपने पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं, टाइम जीरो पे सॉरी एन नोट है और प्रोडक्ट्स क्या है अपने जीरो, तो टी टाइम के ऊपर प्रोडक्ट्स एक्स बन गए, तो ये हो गया अपने पास एन नोट माइनस, या टी टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स हो गए एन टी, ये हो गया एन नॉट माइनस एन टी लेफ्ट एट टाइम टी। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स को एक साइड में ले आएंगे, तो एक इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स को, तो एक साइड में लाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा डी एन बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा डी टी। अब इस इक्वेशन की क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटेड, तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एन बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया डी टी, सॉरी देखो डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन अपने पास हो गया, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट एल एन बेस एन, और टी टाइम पे ले रहे हैं तो हम एन टी पुट कर देंगे इसके अंदर, दिस इज टाइम टी के ऊपर एल एन बेस एन टी, एल एन मतलब नेचुरल लॉग, ये अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स नेचुरल लॉग एन टी इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब देखो एट टाइम टी बराबर जीरो, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो था तो नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली कितने थे अपने पास एन नॉट के बराबर,
तो यहाँ पे टाइम टी जीरो करेंगे तो सी कम्स टू बी सी इक्वल्स टू एल एन एन नोट। अब ये वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास ये आ जाएगी इक्वेशन एन टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस एल एन एन नोट। अब देखो दिस इंप्लाइज इसमें लैम्डा टी को उधर ले जाओ आप, तो लैम्डा टी इक्वल्स टू हो गया अपने पास एल एन एम नोट माइनस एल एन एन टी। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन, इसको लिख सकते हैं हम लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा टी इक्वल्स टू एल एन एम नोट बाई एन टी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, जब एल एन को नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू उसको 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे टी इंटू लॉग 10 बेस इनिशियल न्यूक्लियर कंसंट्रेशन अपॉन न्यूक्लियर कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियर कंसंट्रेशन बची अपने पास। तो यहाँ पे ये एन नोट माइनस एन टी टी टाइम के बाद न्यूक्लियर कंसंट्रेशन, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट ऑर्डर का इसका डिके कॉन्स्टेंट। इस लैम्डा को बोलेंगे हम इसका डिके कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब इससे अपन हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। Half life is the time in which the nuclear concentration is reduced to half. Half of the initial. तो ये यहाँ पे put कर देंगे lambda बराबर 2.303 upon t half log 10 base initial n note और t time के बाद concentration n note by 2 शुरू की बिल्कुल आधी, तो n note से n note क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, इसको अपन solve करेंगे तो t half comes to be 0.693 upon lambda decay constant. So this is the half life of the reaction and it is independent of the nuclear concentration. इसका graph plot करें हम t half का, आप सक्सेस के ऊपर री न्यूक्लियर कंसंट्रेशन है एन नोट, तो देखो टी आप रिमेंस इधर न्यूक्लियर कंसंट्रेशन बढ़ रही है बट टी आप रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस इट इज इंडिपेंडेंट। देखो यहां पे कहीं भी आई नहीं कंसंट्रेशन, तो इट इज टी आप हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। सो दिस इज द रेडियोएक्टिव लॉग। अब इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करें अपन, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसके अंदर आएगा। अपन इसको पुट कर सकते हैं लैम्डा टी नेगेटिव ऑफ लैम्डा टी इक्वल्स टू एल एन एन टी बाई एन नोट, और दिस इंप्लाइज एल एन हटाएंगे तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में ई की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल्स टू एन टी अपॉन एन नोट, और एन टी इक्वल्स टू एन नोट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा जैसे उस एक्सप्रेशन से लें यहाँ पे, ये अपने पास मान लो एल एन एन टी है वर्सेस टाइम, तो ये आ जाएगा इसके अंदर इंटरसेप्ट बराबर वाई बराबर माइनस एन एक्स प्लस सी यूज करेंगे, इंटरसेप्ट बराबर एल एन एन नोट, और स्लोप इसका किसके बराबर आ जाएगा माइनस लैम्डा के बराबर, और जब इसको 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2.303 के फैक्टर से डिवाइड कर देंगे स्लोप के बेस स्लोप में। सो दिस इज द रेट कांस्टेंट एंड ग्राफ्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिके रिएक्शन, और इसका ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन। अब देखो डिग्री ऑफ डिके
डीके की डिग्री को हमने अल्फा मान लिया, तो डिग्री ऑफ डीके बराबर एन नोट इनिशियली थे एंटी सब्सटेंस इन द लेफ्ट अपॉन इनिशियल एन नोट। तो यहाँ से अल्फा को क्या पुट कर सकते हैं हम, एन नोट बाय एन नोट माइनस एंटी बाय एन नोट, दिस इक्वल्स टू वन माइनस एंटी बाय एन नोट। अब यहाँ से एंटी बाय एन नोट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो अल्फा इक्वल्स टू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द डीके सैंपल, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो बचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या बोल सकते हैं हम, इज इक्वल टू दिस इज एंटी बाय एन नोट, और ये किसके बराबर होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर, एंटी बाय एन नोट, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द डिग्री ऑफ डीके, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसके भी आप पे कि इनिशियल पार्टिकल्स कितने थे और उसमें से कितने अपन ने सेपरेट कर दिए। अब देखो इसके बाद एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, एक्टिविटी बराबर लैम्डा इनटू नंबर ऑफ एटम्स। अब लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, 0.693 अपॉन टी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को एन, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। टोटल टाइम टी इक्वल्स टू एन इंटू टी ऑफ जो डीके रिएक्शन के लिए, टी ऑफ क्या हो गया, दिस इज द हाफ लाइफ और एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखो ये अपने पास जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, देखो आफ्टर वन हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इधर यहां पे क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन, दिस विल बी इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू, एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू, टू हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई टू का भी आधा, एन नोट बाई टू, तो इसी तरीके से हम एन हाफ लाइफ के बाद क्या बोल सकते हैं, एन नोट बाई टू रेज टू द पावर एन, दिस इज द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेट। तो डिकेट कंसेंट्रेशन अनडिकेट तो बच गया एन नोट बाई टू की पावर एन, तो डिकेट किसके बराबर हो गया, डिकेट बराबर एन नोट माइनस एन नोट बाई टू की पावर एन, दिस इज अनडिकेट, जो अनडिकेट तो बच गया न्यूक्लियस अपने पास एन नोट बाई टू की पावर एन, और डिकेट हो गया एन माइनस एन नोट बाई टू रेज टू द पावर एन। सो दिस इज द डिके कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव रिएक्शन, डिके कॉन्स्टेंट, एक्टिविटी, टोटल टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम्स एंड डिग्री ऑफ डिके। नाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। So these are identical to the chemical kinetics first order reactions. जैसा कि first order reactions में हमने वहाँ पे concentrations use की थी, और यहाँ पे क्या use कर रहे हैं हम, nuclear concentrations we are using. So now we will calculate the average or mean life for a radioactive sample. इसको हम टो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टो इक्वल्स टू दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली।